हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी कोर्स ज्ञान में। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं विंड सॉक्स के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि विंड सॉक्स होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और इसमें ऑरेंज और वाइट कलर ही क्यों यूज किया जाता है, तथा इससे हवा की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि विंड सॉक्स होता क्या है। विंड सॉक्स पॉलिस्टर टच मटेरियल से डबल लेयर का बना हुआ एक मोजे के आकार की एक आकृति होती है, जिसमें 5 स्ट्रिप बनी होती है, जिसमें 3 ऑरेंज तथा 2 वाइट कलर की स्ट्रिप होती है। इसमें हवा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे को गुजरती है। इसका उपयोग हम हवा के डायरेक्शन तथा स्पीड को जानने के लिए करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। विंड सॉक्स का उपयोग एयरपोर्ट, रिफाइनरी, चीनी मिल, उर्वरक, कपड़ा, फाइबर, पेंट, फाउंड्री, स्टील प्लांट, रसायन प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट, पेपर मिल, कीटक आदि जैसे कई उद्योगों व कारखानों में किया जाता है। आइए जानते हैं इसके कलर के रहस्य के बारे में। ऑरेंज और वाइट कलर की विजिबिलिटी बाकी सभी कलरों से ज़्यादा होती है। इसको अधिक दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। यही कारण है कि विंड सॉक्स में ऑरेंज और वाइट कलर दिए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि विंड सॉक्स से हवा की स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें 5 स्ट्रिप बनी होती है। प्रत्येक स्ट्रिप 3 नोट की होती है। इसके हिसाब से अगर पहली स्ट्रिप सीधी है और बाकी के 4 स्ट्रिप नीचे की तरफ झुके हुए हैं, तो हवा की स्पीड 3 नॉट यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे या 3.5 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होती है। इसी हिसाब से अगर पहली और दूसरी स्ट्रिप सीधी है और बाकी के 3 स्ट्रिप नीचे की तरफ झुके हुए हैं, तो हवा की स्पीड 6 नॉट यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटे या 7 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होती है। इसी हिसाब से अगर पहली, दूसरी और तीसरी स्ट्रिप सीधी है और बाकी के 2 स्ट्रिप नीचे की तरफ झुके हुए हैं, तो हवा की स्पीड 9 नॉट यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे या 10 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होती है। इसी हिसाब से अगर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्ट्रिप सीधी है और बाकी लास्ट वाली स्ट्रिप नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो हवा की स्पीड 12 नॉट यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटे या 14 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होती है। और अगर विंड सॉक्स के सभी स्ट्रिप सीधी लहराती हुई दिखाई दे रही हैं, हवा की स्पीड 15 नॉट यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटे या 17 मील प्रति घंटे या उससे अधिक की स्पीड से चल रही होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल कलर वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।